दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आपको समझ में आएगी। फ्रेंड आज हम आपको पावर कार्ड के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं पावर कार्ड है जिसमें प्रॉब्लम है, जब हम लोग लाइट दे रहे हैं तो इस पीरियड में क्या हो रहा है, इसमें चार्जर लगा दिए हम। अब देखिए इसको हम सप्लाई दे दिए, इसे सप्लाई ऑलरेडी आ गया। ये डीले सिस्टम है, हाई कट है लो कट है, डीले सिस्टम में ये जो सप्लाई हम लोग देते थे इसमें कम से कम इसमें 2 सेकंड बाद में आउटपुट देता है। दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप मेंस भी आ रही है और ये आउटपुट ऑन है लेकिन इसमें सप्लाई नहीं आ रही है इसकी आउटपुट में। तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है हम लोग डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे, पावर गार्ड है ये, पावर गार्ड हम लोग खोल दिए इसको, इसमें दो स्क्रू लगा हुआ है दोनों साइड में, इसको खोल दिए हम लोग। ये है पावर गार्ड दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप इसमें एक रिले है और इसमें 3 LED है, एक है आउटपुट के लिए, एक है आपका हाई कट के लिए, एक लो कट के लिए है। तो दोस्तों इसमें ये सर्किट है इसकी, देख रहे हैं आप ये सर्किट है। तो इसमें इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसकी रिले वर्क नहीं कर रही है, यानी कि आउटपुट नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्राई सोल्डिंग के लिए चेक करेंगे। तो ड्राई सोल्डिंग के लिए चेक करने के लिए हो सकता है इसमें आपका रिले वर्क नहीं कर रहा, तो ड्राई सोल्डिंग भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी देखेंगे कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। तो सबसे पहले एक ड्राई सोल्डिंग के लिए हम लोग इस आइग्या से चेक करते हैं एक बार। एक यहाँ पे मैंने आईसी के सामने एक लूज मिला है, आइग्या से दिखाई दे रहा है इसको, और एक आईसी के सामने लूज मिल गया और एक एक रिले की पॉइंट जो है, रिले की जो पॉइंट है वो भी लूज कनेक्शन है। ये देख रहे हैं आप ये जो रिले की है A1 A2 जो कोयल कनेक्शन होती है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसकी जो मेंस इनपुट आ रही है यहाँ पे आ जा रही है और ये सर्किट वर्क कर रहा है 100% क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं आउटपुट। और इसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो है पॉइंट, इसकी जो कोयल की पॉइंट है रिले की वो वाली यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इसको हम लोग सोल्डिंग करेंगे और यहाँ पर ड्राई सोल्डिंग है जो कि आई ग्लास से हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसे चेक करेंगे हम लोग और यहाँ पे कुछ कुछ लूज कनेक्शन हो गई है क्योंकि यहाँ दिखाई देने से लगता नहीं है कि लूज कनेक्शन लेकिन हम लोग आई ग्लास से देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ये लूज कनेक्शन है। तो दोस्तों ये है आपका हाई कट लो कट प्लस डीले सर्किट है और इसमें स्पाइक कंट्रोल भी सर्किट है। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि BDR भी लगा हुआ है जो कि हाई वोल्टेज आने पर शॉर्ट हो जाता है और आपका जो कॉस्टली जो अप्लायंसेस है उसको बचाता है ये। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, ड्राई सोल्डिंग को जहां जहां हमें दिखाई दिया यहां पे एक दिखाई दिया और एक यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको सोल्डिंग हम लोग करेंगे। और एक यहाँ पे है, 2 जगह ड्राई सोल्डिंग था। सोल्डिंग हम लोग कर दिए और फिर एक बार हम देख सकते हैं इसमें और कहीं ड्राई सोल्डिंग है क्या, तो हम लोग फिर आई ग्लास से देखते हैं कहीं ड्राई सोल्डिंग है क्या। तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको फिट करके देखेंगे, इसके लिए वीडियो को अभी पॉज कर देते हैं। तो फ्रेंड आप इसमें मैं बता देना चाहता हूँ क्या क्या इसमें है। यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे एक टाइसर लगा हुआ है जो कि रिले ऑपरेटिंग के लिए है, ठीक है। इसमें एक IC लगा हुआ है, IC का जो नंबर है 12F
501L है ये इसकी नंबर, ये प्रोग्रामिंग आईसी है। इसको फिट कर लेते हैं, यहाँ है बस इसको स्क्रू लगा देना है। लगा के देखेंगे इसको, इसको लगा दिया आ गया और यहाँ पे हमने इसको दे दिया। देखिए इसमें आउटपुट देना चालू हो गया, देख रहे हैं 100% ओके हो गया। तो दोस्तों इसमें यही कमी था, ड्राई सोल्डरिंग का कमी था, बन गया है यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड अब मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।